क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सबसे कठिन प्रारूप टेस्ट क्रिकेट है और इसमें फील्डिंग करने वाली टीम अजीबोगरीब तरीके से फील्ड को सजाती है। इस प्रारूप में बल्लेबाजी करना थोड़ा कठिन माना जाता है क्योंकि बल्लेबाज को काफ़ी देर क्रीज पर रुककर टीम के लिए रन बटोरने होते हैं। कई मौकों पर देखा गया है कि बल्लेबाज काफ़ी ओवर खेलने के बाद अपना खाता खोलते हैं, लेकिन चकदे क्रिकेट की टीम एक बार फिर आपको एक हैरान रिकॉर्ड से रूबरू कराएगी। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में छक्का लगाकर पारी की शुरुआत करने वाले खिलाड़ियों के बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। दरअसल ये वो 13 खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना खाता छक्के के साथ खोला है। नंबर एक पर हैं एरिक फ्रीमैन। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में छक्के से खाता खोलने वाले पहले क्रिकेटर हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इस बल्लेबाज ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। 1968 में ऑस्ट्रेलिया के इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने भारत के विरुद्ध अपनी पहली गेंद पर छक्का लगा दिया था। नंबर दो पर हैं कार्लिसले बेस्ट। 1986 में वेस्टइंडीज के इस बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर खाता खोला था। 27 वर्षीय बेस्ट जमैका में अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली दो गेंद पर इयान बॉथम से दो बाउंसर प्राप्त करने के बाद उन्होंने तीसरी गेंद पर हुक किया और एक छक्के के साथ अपना खाता खोला। यह बेस्ट के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि थी और इयान बॉथम की गेंद पर उन्होंने जो छक्का चढ़ा वह वेस्टइंडीज के क्रिकेट प्रशंसकों द्वारा हमेशा याद रखा जाएगा। बेस्ट यह उपलब्धि हासिल करने वाले कैरेबियाई देश के पहले क्रिकेटर हैं। नंबर तीन पर हैं कीथ डोबेंगवा। इस सूची में तीसरा नाम जिम्बाब्वे के खिलाड़ी का आता है। साल 2005 में जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच चल रही टेस्ट श्रृंखला में जिम्बाब्वे के इस खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड के महान गेंदबाज डैनियल विटोरी की गेंद पर छक्का लगा दिया था। इस छक्के को लगाने से पहले इस बल्लेबाज ने 15 गेंद बिना रनों के खेले थे। ऐसा करने वाले वह जिम्बाब्वे के एकमात्र बल्लेबाज हैं। नंबर चार पर हैं डेल रिचर्ड्स। इस सूची में शामिल डेल रिचर्ड्स दूसरे कैरेबियन खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश के मशरफे मुर्तजा की गेंद पर वेस्टइंडीज के इस खिलाड़ी ने छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। नंबर पाँच पर हैं सफीउल इस्लाम। बांग्लादेश के इस बल्लेबाज ने भारत के अमित मिश्रा की गेंद पर छक्का लगाकर खाता खोला था और इस छक्के से पहले उन्होंने 7 गेंद बिना रनों के खेले थे। नंबर छः पर हैं जहरुल इस्लाम। बांग्लादेश के जहरुल इस्लाम ने साल 2010 में नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ यह कारनामा किया था। ढाका में खेले गए उस मुकाबले में यह बल्लेबाज पहली पारी में बिना खाता खोले आउट हो गया था, लेकिन दूसरी पारी में स्वान की गेंद पर इन्होंने छक्का लगाकर अपना खाता खोला। नंबर सात पर हैं क्रिस गेल। नवंबर 2012 में वेस्टइंडीज के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ छक्के के साथ खाता खोला था। गेल ने एक भी गेंद का इंतजार नहीं किया, खुद की और पारी की पहली गेंद पर गेल ने स्पिनर सुहाग गाजी की ओवर में पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया। पिच इतनी स्पिन के अनुकूल थी कि बांग्लादेश के कप्तान मुशफिकुर रहीम ने गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत ऑफ ब्रेक गेंदबाज सुहाग गाजी के साथ करने की सोची। ये गाजी का डेब्यू मैच भी था और उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि अपने डेब्यू मैच में ही रिकॉर्ड बुक में उनका नाम चढ़ जाएगा। इस तरह क्रिस गेल टेस्ट मैच में छक्के के साथ पारी की शुरुआत करने वाले पहले खिलाड़ी भी बने। नंबर आठ पर हैं अल अमीन हुसैन। इस सूची में अल अमीन तीसरे बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं। 2014 में श्रीलंका के महान स्पिनर रंगना हैराथ की गेंद पर इस खिलाड़ी ने छक्का लगाकर अपना खाता खोला था और आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि दूसरी पारी में भी इन्होंने छक्का लगाकर ही अपना खाता खोला। नंबर नौ पर हैं मार्क क्रेग। मार्क क्रेग ने पहले ही गेंद पर छक्का लगाकर इतिहास रच दिया था और ऐसा करने वाले वह वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के बाद दूसरे खिलाड़ी बने। न्यूजीलैंड के इस ऑफ स्पिनर ने 2014 में यह कारनामा किंगस्टन के मैदान पर किया था वेस्टइंडीज के खिलाफ। क्रेग ने वेस्टइंडीज गेंदबाज सुलेमान बेन की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया था। यह न्यूजीलैंड की पारी का भी पहला ही गेंद था। नंबर 10 पर हैं धनंजय डिसिल्वा। श्रीलंका के इस बल्लेबाज ने साल 2016 में अपने डेब्यू मैच में ही दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वीं गेंद पर छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। नंबर 11 पर हैं कमरुल इस्लाम रबी। बांग्लादेश का यह गेंदबाज अपनी पहली तीन पारियों में खाता भी नहीं खोल पाया था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की 20वीं गेंद पर मोइन अली को छक्के के लिए भेज दिया और अपना खाता खोला। नंबर 12 पर हैं सुनील अम्बरीश। टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत इस बल्लेबाज के लिए अच्छी नहीं रही थी और पहली ही पारी में हिट विकेट हो गए थे। इसके बाद अपनी तीसरी पारी में भी यह बल्लेबाज हिट विकेट आउट हुआ। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इस खिलाड़ी के नाम दो बार हिट विकेट होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। हालांकि इस खिलाड़ी ने वेलिंगटन में ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस खिलाड़ी ने खेले गए 3 टेस्ट मुकाबलों में 3 रिकॉर्ड बनाए। नंबर 13 पर हैं ऋषभ पंत।
ऋषभ पंत इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। यह तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं और टेस्ट क्रिकेट में कई महत्वपूर्ण पारियां अपनी टीम के लिए खेल चुके हैं। इस खिलाड़ी ने आदिल रशीद की गेंद पर छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। तो ये है वो 12 खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी छक्के के साथ अपना खाता खोला था। आपको इनमें से कौन सा खिलाड़ी पसंद है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए फॉलो करिए हमारा पेज सच्चे क्रिकेट। धन्यवाद।